सिविल एविएशन अथॉरिटी के ट्रेनिंग सेंटर में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला हवाई जहाज कराची से हैदराबाद पहुंचा दिया गया है। इसी पर बात करते हैं वसीम खान से। वसीम खान, आगाह कीजिएगा, जहाज यहाँ आ गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी हैदराबाद के ट्रेनिंग सेंटर में तरबियती मकासद के लिए कराची से रवाना किया गया हवाई जहाज़ हैदराबाद पहुंच गया है। ये हवाई जहाज़ गुज़िश्ता रोज़ कराची से रवाना हुआ था, ताहम कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद मोटरवे से होता हुआ ये आज सुबह जामशोरों पहुँचा है और अब ये हैदराबाद की हदूद में मौजूद है। ये जो हवाई जहाज़ है ये इस वक्त चैनल मोदी के करीब मौजूद है, बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर से होता हुआ ये हवाई जहाज़ जो है फतेह चौक पहुँचेगा, जहाँ से साइट एरिया से होता हुआ एयरपोर्ट पहुँचेगा, जहाँ पर इसको उतारा जाएगा तरबियती मकासद के लिए बाद हज़ार इस्तेमाल किया जाएगा। हवाई जहाज़ एक बहुत बड़े ट्रालर पे मौजूद है, जबकि इसके जो बकाया हिस्से हैं वो भी चार मुख्तलिफ ट्रालर्स पर मौजूद हैं, जो इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे करीब से गुज़र रहे हैं। और हैदराबाद में आने वाला जो ये जहाज़ है, जो तरबियत के लिए आने वाले लोग हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के मरकज़ में, उनकी तरबियत के लिए इस्तेमाल होगा। जी